बच्चों को हम फटाफट पहला क्वेश्चन कर लेते हैं नेहा वाला। देखो नेहा जो है ना वो टोटल जो है ट्रैक में 13/4 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करती है, दूरी जो है 13/4 किलोमीटर वो तय करती है, यहां से लेकर यहां तक वो 13/4 किलोमीटर जाती है। तो वो कह रहे कि ये जो है ना वो 5-3 मिनट बाद रुकती है, लेकिन वो चार इक्वल स्टेशन पे रुकती है। जैसे पहले यहां से अपने घर से वो यहां गई तो एक हो गया, फिर यहां से यहां तक गई दो हो गया, फिर यहां से यहां तक गई तीन हो गया, फिर यहां से यहां तक गई चार। तो इस तरीके से ये चीज छोड़ दो, ठीक है, तो कितना हो गया एक, फिर दो, फिर तीन, फिर चार। तो इस तरीके से वो यहां जाती है तो 5-5 मिनट यहां रुकती है, ठीक है। तो उसने बोला कि क्वेश्चन में पूछा गया कि यहां से यहां तक जाने में उसने कितने किलोमीटर दूरी तय करी है। अगर मान लो आपको ये पूरा यहां से यहां तक दिया होता 16 दिया होता, कितना दिया होता 16 किलोमीटर दिया होता, तो आपकी ये वैल्यू कितनी आती, चार 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 आती ना। देखो आपने कंप्लीट नंबर से इजीली बता दिया कि चार 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 आ गई, ठीक है। अगर आपको यहां दिया होता 8 तो आप क्या कर देते, दो 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 कर देते, है ना, सिंपल है ना, कर देते ना। लेकिन यहां पर 13/4 दे रखे, तो 13/4 अगर पूरा है तो उसको चार इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए क्या करोगे, चार से डिवाइड कर दोगे। जैसे हमने यहाँ पे करा था 16 को डिवाइड करा था चार से तो चार आ गया था, ऐसे 8 को डिवाइड करा चार से तो दो आ गया। अब ऐसे ही अब 13/4 को डिवाइड करोगे तो यह मुश्किल हो जाता बच्चों को फ्रैक्शन में क्या करने में, डिवाइड करने में। तो कैसे करते हैं, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में करते हैं तो ये वाली जो रकम है ना राइट वाली, याद रखना लेफ्ट वाली नहीं राइट वाली, इसके नीचे एक लगा लो, 4/1 का 1/4 हो जाएगा। अब इसको ऊपर ऊपर को मल्टीप्लाई कर दो, नीचे नीचे को मल्टीप्लाई कर दो, समझ में आ गई, ठीक है। ये मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया, राइटिंग में देख लो कैसे लिखना है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों देख लें बराबर, ठीक है। तो मैं वीडियो को स्टॉप करके पूरा लिख ही देता हूँ ताकि आपको ज्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़े। तो बच्चों हमने क्या कर दिया, स्टेटमेंट लिख दी, पहले लिखा टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय नेहा, नेहा ने कितने डिस्टेंस कवर करी है 13/4 किलोमीटर करी है। फिर हमें क्या दे रखा है, गिवन द डिस्टेंस बिटवीन ईच स्टेशन इज इक्वल, जो स्टेशन है जहां वो रुकी थी वो इक्वल डिस्टेंस दे रखी थी, चार स्टेशन है ना, तो टोटल स्टेशन कितने हैं चार। तो नंबर ऑफ टाइम ही स्टॉप, कितनी बार रुकी थी वो चार ही बार रुकी थी। डिस्टेंस शी हैड कवर्ड व्हेन शी हैड रीच एट फर्स्ट स्टेशन, तो आपको बताना है कि कितने डिस्टेंस कवर करती थी जब वो पहले स्टेशन पर रुकी थी। तो आप क्या करोगे 13/14 को डिवाइड कर दोगे 4 से, तो इस तरीके से 13/4 आप कर दोगे तो डिवाइड का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये उल्टा हो जाएगा। इस तरीके से ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई कर दी, नीचे के नीचे में कर दी, इस तरीके से आपका आंसर आ गया, समझ में आ गई। अब हिंदी मीडियम वाले देख ले फटाफट, तो हिंदी मीडियम देख लीजिए आप, मैंने हिंदी वाले के लिए भी लिख रखा है। नेहा द्वारा तय की गई दूरी कितने 13/4 किलोमीटर, नेहा चार बार बराबर बराबर अंतराल पर रुकती है। नेहा द्वारा पहली बार रुकने के बाद तय की गई दूरी कितनी आ जाएगी, वही सेम 13, ठीक है। तो पहले डिवाइड आए 4, ठीक है, यहाँ तक दिख रहा है आपको, ये डिवाइड का साइन है बच्चों। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करो तो 1/4 हो गया, ठीक है, इस तरीके से 13/16 आ गया, समझ में आ गया आपको आंसर, समझ में आ गया। अब फटाफट हम कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया। तो बच्चों अभी क्वेश्चन सारे देख सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा लाइट पड़ रही नहीं दिखाई दे रहा होगा, बाकी मैं क्वेश्चन नोट कर रहा हूँ, ठीक है, आगे पेज भी लगे होंगे, है ना, आप देख लेना। 4/7 डिवाइड -7/4 दे रखा है, ठीक है, तो कैसे करोगे, वही सेम है। देखो हिंदी इंग्लिश के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, मैथ नहीं है, डिवाइड को मल्टीप्लाई करा, ठीक है, डिवाइड को हमने क्या करा मल्टीप्लाई, तो ये ऊपर 4 नीचे -7 चला जाएगा। फिर देखो कोई ऊपर नीचे कट रहा है, नहीं ऊपर ऊपर नहीं कटते, ठीक है, 4/4 = 16 हो गया, 7/7 = 49 हो गया। अभी माइनस को ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, माइनस ऊपर लिखो नीचे लिखो एक ही बात है, समझ में आ गई आपको। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन हमारे सामने है, तो थर्ड में दे रखा है -6/5 डिवाइड 2/5 दे रखा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड को मल्टीप्लाई करा तो 5/ क्या होगा 2 हो गया, उल्टा कर दिया। अब ऊपर नीचे देखो कट रहा है, हाँ देखो 5/5 कट रहा है, 5/1 = 5, 5/5 = 5, 2/1 = 2, 2/6 = 6, ठीक है। अगर कैंसिल होगा तो काट देंगे, -3/1 आंसर आ गया, ठीक है, इसे आप -3 लिख दो, समझ में आ गया बच्चों। उसके बाद आगे क्वेश्चन पे आ जाते हैं, फोर्थ पे आ जाइए, ठीक है। अगर आपको स्पीड लग रही हो तो यूट्यूब पे 3 डॉट होते हैं, उससे धीरे कर लेना, ठीक है, थोड़ा स्पीड से चलना पड़ेगा, ठीक है। तो -1 - 2 दे रखा है, -2/7 दे रखा है, तो देखो माइनस से माइनस कट गया तो कितना आगे 1/2 डिवाइड का होगा मल्टीप्लाई 7/2, ठीक है। तो देखो हमने राइट वाले को उल्टा करा है तो कितना आगे 7/4 आ गया, तो माइनस को ऊपर ले गए, ठीक है, समझ में आ गई। उसके बाद आ जाओ फिफ्थ पे, आ जाओ फिफ्थ क्वेश्चन देख लीजिए, 2/3 डिवाइड 2/3, ठीक है, ये दे रखा है, तो 2/3 डिवाइड को मल्टीप्लाई करा 3/2, तो आप देख सकते हैं 3 से 3 ऊपर से नीचे कट गया,
वन आ गया, ठीक है, समझ में आ गया। अब उसके बाद आ जाइए फटाफट सिक्स क्वेश्चन पे आ जाइए। तो सिक्स क्वेश्चन हमारे सामने, माइनस सेवन अपॉन में एट डिवाइड माइनस फोर अपॉन में थ्री, ठीक है। तो हम इसको भी वैसे ही करेंगे, डिवाइड को मल्टीप्लाई करा तो थ्री अपॉन में माइनस का फोर हो जाएगा, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ऊपर नीचे भी काट सकते हैं, माइनस ऊपर को भी काट सकते हैं, ठीक है। माइनस ऊपर ऊपर भी कट जाता है, नीचे ऊपर भी कट जाता है, ठीक है। मुश्किल नहीं है क्वेश्चन, इसलिए थोड़ा स्पीड से बता रहा हूँ। ऊपर नीचे कोई कट रहा नहीं कट रहा, ऊपर ऊपर नहीं कटता, नीचे नीचे नहीं कटता, ठीक है। माइनस माइनस कट जाते हैं, सात के इक्कीस, तो इस तरीके से आठ चौक बत्तीस आ गया, समझ में आ गई। अब लास्ट पार्ट देख लीजिए फटाफट, और आज के लिए इतना होता है, उम्मीद करूंगा आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक नहीं करते तो लाइक तो बनता है, सपोर्ट होता है, ठीक है, सपोर्ट कीजिए। डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो सीधे हाथ वाले को करना है, लेफ्ट वाले को नहीं करना, लेफ्ट वाले को, ठीक है। अब देखो जीरो है यहाँ पर, क्या है जीरो, जब मल्टीप्लाई में जीरो कहीं भी देख लो तो सारा का सारा आंसर जीरो ही आएगा, ठीक है। समझ में आ गई आपको पूरी बात, ठीक है। आज के लिए इतना होता है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। और इस तरीके से मैं आपके लिए वीडियोस लेकर आता रहूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना होता है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं, थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। एक ये पेज हो जाएगा, ठीक है, और दूसरा हमारा ये था, ठीक है, तीसरा हमारा ये था, ठीक है, और लास्ट वाला, ठीक है बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन।